स्पोर्ट्स स्टोरी में तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आईपीएल 2020 में केकेआर को मिली जीत, हैदराबाद 7 विकेट से हारा। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 8वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने थी। हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में खेलते हुए हैदराबाद की टीम ने मनीष पांडे की निस्फ सेंचुरी के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट पर 142 रन बनाए। कोलकाता को जीत के लिए 143 रन का मामूली सा टारगेट मिला था, जिसे टीम ने शुभमन गिल की नॉट आउट 70 रन की पारी के दम पर 18 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया और 7 विकेट से जीत दर्ज की। कोलकाता की टीम को पहला झटका सुनील नारायण के तौर पर लगा और उन्हें खलील अहमद ने बिना खाता खोले ही आउट कर दिया। नारायण ने 2 गेंदों का सामना किया। नीतीश राणा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 13 गेंदों पर 26 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी को टी नटराजन ने खत्म किया। वो रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट हुए। कप्तान दिनेश कार्तिक राशिद खान की गेंद पर बिना खाता खोले ही LBW होकर वापस लौटे। हैदराबाद टीम के तूफानी बल्लेबाज जॉनी बेरिस्टो को तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने सस्ते में निपटा दिया। रन बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे बेरिस्टो ने 10 गेंदों पर 5 रन बनाए और कमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर को वरुण चक्रवर्ती ने 10वें ओवर में पहली ही गेंद पर अपनी ही बॉल पर कैच किया। वार्नर 30 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 36 रन बनाकर आउट हुए। मनीष पांडे ने 2 विकेट गिरने के बाद रिद्धिमान साहा के साथ मिलकर न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि अपनी निस्फ सेंचुरी भी पूरी की। 35 गेंदों पर 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 38 गेंद खेलकर 51 रन के स्कोर पर पांडे को आंद्रे रसल ने वापस भेजा। टीम का 4था विकेट साहा के रूप में गिरा। 31 गेंद पर 30 रन की पारी खेलकर वो आउट हुए। कोलकाता के लिए पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती और रसल ने 1-1 विकेट लिए। इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने जख्मी मिचेल मार्श की जगह मोहम्मद नबी को टीम में जगह दी। वहीं विजय शंकर की जगह रिद्धिमान साहा और संदीप शर्मा की जगह प्लेइंग 11 में खलील अहमद को शामिल किया। कोलकाता के नौजवान तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी के साथ वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया। इस मुकाबले में शुभमन गिल को मैन ऑफ द मैच मुंतखब किया गया। केकेआर की प्लेइंग 11 में सुनील नारायण, शुभमन गिल, दिनेश कार्तिक कप्तान और विकेट कीपर, नीतीश राणा, इयान मोर्गन, आंद्रे रसल, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और शिवम मावी शामिल हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में डेविड वार्नर कप्तान, जॉनी बेरिस्टो विकेटकीपर, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, मोहम्मद नबी, रिद्धिमान साहा, अभिषेक शर्मा, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और टी नटराजन शामिल हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।